कहा जाता है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो एग्ज़ाम्स में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और आज का जो टॉपिक है हमारे मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज का, वो है साहित्यिक सृजन, यानी साहित्यिक परिचय, यानी हमारे मध्य प्रदेश से कौन से व्यक्ति साहित्य से जुड़े हुए हैं और उनका क्या रोल रहा, उन्होंने क्या भूमिका दी, क्या भूमिका निभाई, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सभी का दोस्त, और आज हम मिशन MBBS को ध्यान में रखते हुए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज का, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो आज का जो टॉपिक है साहित्यिक परिचय है, आज हम साहित्य के बारे में जानेंगे, मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण, और ना कि मध्य प्रदेश इंडिया बल्कि विदेशों में भी अपने नाम का डंका बजा चुके हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे महाकवि कालिदास, जिनके बारे में ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जो ना जानता हो, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम महाकवि कालिदास जी के बारे में जानेंगे और उनके प्रमुख जो रचनाएं हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके PSC या अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। तो सबसे पहले महाकवि कालिदास के बारे में बताना चाहूँगा कि इनके बारे में जो हिस्टोरिकल है, या हिस्टोरिकल में अगर जाएं तो इनके बर्थ, इनके बर्थ प्लेस या डेट ऑफ बर्थ, इनके लिए हमारा जो हिस्ट्री है, हमारी जो हिस्ट्री है वो पूरी तरह से मौन है। इसके बारे में हमारी हिस्ट्री ने नहीं बताया है कि आखिर कालिदास जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, और इनके माता पिता कौन थे। तो सिर्फ इनके लिए एक जो तथ्य मिले हैं उनके अनुसार बताया गया है कि कालिदास जी कब थे, किसके शासनकाल में थे। तो पता होना चाहिए कि उज्जैन के निवासी गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक माना जाता है इनको, ठीक है। जो कई विद्वान हैं, जो विद्वान जाने जाते हैं, उन विद्वानों के मतानुसार कहा जाता है कि ये जो कालिदास जी है वो गुप्त वंश के जो शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं उनके दरबार में थे, जो उनके 9 रत्नों में से एक थे। ऐसी कुछ बहुत सारे जो विद्वान हैं उनके मत हैं, तो कुछ भी श्योर नहीं है कि आखिर कालिदास जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि महाकवि कालिदास जी वही इंडियन व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर रोमियो जूलियट जो मशहूर पुस्तक है शेक्सपियर जी की, जो ब्रिटिश से हैं, ब्रिटिश घराने के हैं, यानी इंग्लैंड के हैं, ब्रिटेन के हैं, उनकी कृति रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर जी की, वो बहुत फेमस है। तो महाकवि कालिदास जी को हमारे भारत में शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है ना, शेक्सपियर, ठीक है ना, SHEX, ठीक है, तो दैट इज शेक्सपियर। तो आज हम महाकवि कालिदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको अलग अलग रखकर आपको समझाएंगे, ठीक है। कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कालिदास जी का महाकाव्य है या खंडकाव्य या नाटक है, या फिर इनका नाटक या खंडकाव्य किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं मैंने अलग रखा है महाकाव्य, जो महाकवि कालिदास जी का महाकाव्य है वो कौन सा है, कुमार संभवम और रघुवंशम, ठीक है। तो कुमार संभवम और रघुवंशम ये दो महाकवि कालिदास जी के महाकाव्य है, ठीक है। तो रघुवंशम में राजा जो राम है, ठीक है, भगवान राम, दशरथ और उनकी जो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको इसमें संकलित किया गया है कालिदास जी के द्वारा, ठीक है। और कुमार संभवम में इसमें गणेश जी के बारे में बताया गया है, शिव पार्वती जी की जो शादी हुई है, जो विवाह हुआ है उसके बारे में बताया गया है, और साथ में जो गणेश जी हैं उनके द्वारा एक राक्षस का वध किया गया था, तो इसमें बताया गया है कुमार संभवम में, ठीक है। तो कुमार संभवम और रघुवंशम महाकवि कालिदास जी का महाकाव्य है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को, आप प्रश्न बन सकता है और बन भी चुका है, तो सीरियसली लीजिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट खंडकाव्य, खंडकाव्य मतलब जो महाकाव्य ना होकर छोटे छोटे काव्य के रूप में संकलित किया गया है महाकवि कालिदास जी के द्वारा, तो खंडकाव्य का नाम दिया गया है कालिदास जी के द्वारा, जो कौन है, मेघदूतम और ऋतु संहार। तो मेघदूतम के बारे में आपको बता दूं तो बहुत ही प्रचलित प्रश्न है कि ये कि जो अमरकंटक है, अमरकंटक की जो छटा है, जो
वहाँ की प्राकृतिक दशा है, प्राकृतिक छटा है, उस चीज़ का वर्णन कालिदास जी की किस रचना में मिलता है, तो वो रचना कौन सी है, मेघदूतम। ध्यान रखिएगा जो अमरकंटक है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में जो अमरकंटक है, उसकी जो वहाँ की जो प्राकृतिक नज़ारे हैं, प्राकृतिक जो नज़रिया है, उस चीज़ को संकलित किया है कालिदास जी ने मेघदूतम अपनी रचना में। ठीक है, तो प्रश्न जो बनता है तो ध्यान रखिएगा मेघदूतम में अमरकंटक की जो ऋतु या जो वहाँ की बनावट है, वहाँ की जो प्राकृतिक एक बनावट है, उस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है मेघदूतम रचना में। और दूसरा ऋतु संहार, ऋतु संहार उनकी एक ऋतु, जो छह प्रकार की ऋतुएँ होती हैं, उन छह ऋतुओं के बारे में संकलित लेख मिलता है कालिदास की इस रचना में, ऋतु संहार में। ठीक है, तो ये दो हो गए खंड काव्य। और तीसरा आपका होता है इनका क्या है, अभिज्ञान संतुलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका मित्रम, अविक्रम वर्षीय, ये तीन इनके नाटक है, यानी एक काल्पनिक नाटक है जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, शकुंतला नाम की एक महिला थी और अभिज्ञान नाम के एक जो पुरुष थे उनकी प्रेम कहानी का इसमें संकलन किया गया है। मालविका मित्रम, तो मालविका मित्रम भी एक नाटक है जिसमें एक काल्पनिक रचना देखने को या पढ़ने को मिलती है। और विक्रम वर्षीय, जिसमें विक्रम और उर्वशी नाम के जो दो पात्र हैं इनकी प्रेम कहानी का संकलन किया गया है महाकवि कालिदास जी के द्वारा। तो दोस्तों ये कुमार संभवम और रघुवंशम दो महाकाव्य, खंड काव्य मेघदूतम और ऋतु संहार, और साथ में अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका मित्रम और विक्रम वर्षीय, ये तीन नाटक हो गए महाकवि कालिदास जी के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भर्तृहरि। सब जानते होंगे भर्तृहरि गुफाएं उज्जैन, सब सुना होगा, क्वेश्चन भी बनता है कि भर्तृहरि की गुफाएं या भर्तृहरि जो शाला है या वेधशाला है वो कहाँ है, तो उज्जैन में है। तो भर्तृहरि जो साहित्यकार थे उनकी दो तीन रचनाएं हैं जिन्हें शतक के नाम से जाना था। ठीक है, उनके जो रचना थी वो शतक के नाम से संदर्भित होती रहती थी, उनके त्रिशतक उन्हें बुलाता है। ठीक है, तो तीन शतक कौन कौन से आप देख पा रहे हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। ध्यान रखें इन्हीं तीन शतक को आपको याद रखना है, एक और शतक आएगा बट वो शतक किसी और व्यक्ति के द्वारा होगा। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे उस चीज पर। तो ये तीन शतक जो है, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, ध्यान रखिएगा ये तीन शतक से प्रेरित जो रचना है वो भर्तृहरि की है। तो भर्तृहरि के बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बताना चाहूँगा इनका, कि जो महाराज भर्तृहरि थे वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। ऐसा माना जाता है, ऐसी जनश्रुति है कि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई और गोरखनाथ की ये शिष्य थे। ठीक है, ऐसी एक जनश्रुति है, यानी जो एक मत है व्यक्तियों का भर्तृहरि के लिए, तो उनके लिए जनश्रुति है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसा भी माना जाता है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन को इनकी जन्मस्थली माना जाता है और उत्तर प्रदेश का जो चुनार जो क्षेत्र है वो इनकी साधना स्थली माना जाता है, और जो राजस्थान का सरिस्का, सरिस्का जो आपने सुना होगा एक वहाँ नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सरिस्का राजस्थान में, तो सरिस्का को इनकी समाधि स्थली माना जाता है। ठीक है, ये सब मान्यता है, ऐसा कुछ हिस्टोरिकल या साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हुआ है, सिर्फ मान्यता है और ऐसा बताया जाता है, इसलिए मान्यता के अनुसार ऐसा मान लिया गया है कि उज्जैन में जन्म स्थली है भर्तृहरि की, और जन के साथ इनकी जो साधना स्थली है वो उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में इनकी समाधि स्थल है। ठीक है, तो सब मान्यता की बातें हैं, इन सब चीज़ों को आप ध्यान नहीं रखना, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए एज ए हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ। तो बस आपको याद कर रखना कि भर्तृहरि की तीन रचनाएँ हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, ये तीन शतक से जुड़ी त्रिशतक, इन्हें नाम लिख दिया गया है, त्रिशतक के नाम से जो रचना है वो भर्तृहरि की है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता दूं भवभूति, ध्यान रखिएगा भवभूति को भारती मिल्टन की संज्ञा दी गई है, ध्यान रखिएगा भारती मिल्टन कहा जाता है इनको, भवभूति को, जो ये भवभूति जो रचनाकार हैं साहित्यकार हैं इन्हें भारत का मिल्टन कहा जाता है। ठीक है, और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उत्तर रामचरित, महावीर चरित और मालती माधव। ठीक है, ये तीन रचना इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इन्हें आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, तो भवभूति की तीन रचना उत्तर रामचरित, महावीर चरित और मालती माधव। तो इसमें जो दूसरी एक रचना आपको बताना चाहूँगा, जो महावीर चरित्र है, महावीर चरित भगवान
महावीर नहीं, जो जैन गुरु थे, भगवान राम, महावीर की संज्ञा यहाँ पर भगवान राम को दी गई है। तो महावीर चरित जो है वो भगवान राम को लिखी गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर राम चरित, महावीर चरित और मालती माधव भवभूत जी की रचना है। और इनके बारे में थोड़ा सा एज ए हिस्ट्री, इनकी इतिहास के बारे में थोड़ा सा नज़र डालूंगा, तो बताना चाहूँगा कि इनका जो वास्तविक नाम था, किसका, भवभूत जी का, जो साहित्यकार भवभूत थे, इनका नाम था श्रीकंठ, ठीक है। तो ध्यान रखें, पीएससी के आधार पर अगर पढ़ा जाए तो पूछा जा सकता है, क्योंकि पीएससी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भवभूत जो हैं, जो भवभूत मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार हैं, इनका जो मूल नाम था वो श्रीकंठ था, और इनके पिता का नाम नीलकंठ, नीलकंठ जो आपको पता है नीलकंठ कैसे बुलाता है, भगवान शिव का एक रूप है, ठीक है, तो नीलकंठ बुलाया जाता है। तो नीलकंठ इनके पिता का नाम था, और श्रीकंठ, श्रीकंठ ये लिखा हुआ है, श्रीकंठ भवभूत जी का मूल नाम था, ठीक है। और एक ऐसी भी मानता है कि जो कन्नौज के शासक थे यशो वर्मन, ठीक है, तो उनके दरबार में ये कवि थे। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि भवभूत यशो वर्मन जो शासक थे कन्नौज के, उनके यहाँ कवि के रूप में विराजमान होते थे। तो श्रीकंठ इनका मूल नाम हो गया, और भवभूति को भारत का मिल्टन भी कहा जाता है, ठीक है। और मैंने तीन ये इनकी रचना बता दी, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित, ये तो तीन आपको याद रखने ही होंगे, पूछ लेता है और पूछा भी गया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे नज़र डालते हैं और कवियों या साहित्यकारों पर, बाणभट्ट, ठीक है। तो कवि, महाकवि बाणभट्ट जी के बारे में बात करेंगे। इनकी रचना तो सिर्फ दो ही है, हर्षचरित और कादंबरी। हर्षचरित इसलिए क्योंकि ये जो हर्षवर्धन थे, राजा हर्षवर्धन थे, उनके दरबार में रहते थे, ठीक है, इसलिए उनके दरबार में रहते हुए इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी पर हर्षचरित की रचना की, इन्होंने महाकवि बाणभट्ट ने। ऐसा माना जाता है कि जो बाणभट्ट का जो क्षेत्र है वो बघेलखंड का क्षेत्र है, आपने बाण सागर बांध सुना होगा, तो बाण जो है नाम ना, ये बाण इन्हीं के नाम से लेगा, बाणभट्ट के नाम से ही बाण सागर, तो जो सागर था उस सागर को नाम क्या दे दिया गया, बाण सागर। तो बाण सागर जो डैम है, जो आपके शहडोल जिले के देवलन या बाण सागर क्षेत्र में आता है, तो जो बाण सागर नाम पड़ा है, तो बाण जो है ना इन्हीं के नाम से लिया गया है, ठीक है। तो बाणभट्ट जी की दो रचनाएं हैं, हर्षचरित और कादंबरी, इन चीज को आपको याद रखना होगा, ठीक है। और एक चीज, अभी कुछ समय पहले मैंने बात की थी कि एक और शतक है, तो वो शतक जो है वो चंडी शतक है, ठीक है ना, चंडी शतक जो है आपका वो इनका है, किनका, बाणभट्ट का। जो मैंने भर्तहरि के बारे में बताया था वो त्रिशतक के नाम से जाना जाता है, त्रिशतक में कौन कौन से आते हैं, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, वो मैंने अभी लास्ट बात की थी आपसे, ठीक है। तो ये जो चंडी शतक है, वो चंडी शतक जो मैं बात कर रहा हूँ, चंडी शतक की, ये बाणभट्ट जी की रचना है, ठीक है, एक पवित्र रचना है इनकी, बहुत पवित्र रचना मानी जाती है चंडी शतक को। तो ये भी ध्यान रखिएगा, चंडी शतक एक हो गया आपका, हर्षचरित और कादंबरी, ये दो और रचनाएं हैं जो महाकवि बाणभट्ट के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, केशवदास, आप देख पा रहे हैं केशवदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन जो पूछी गई हैं, जो इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है, उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो केशवदास जी की रामचंद्रिका है, जहांगीर जस चंद्रिका, तो चंद्रिका नाम से दो हैं, ठीक है, रामचंद्रिका और जहांगीर जस चंद्रिका, तो दोनों चंद्रिका याद रखिएगा केशवदास जी की हैं, केशव चंद्रमा के समान है, तो केशवदास जी चंद्रमा के लिए दास बन गए थे, ठीक है। तो केशव दास किसके लिए बने थे, चंद्रिका के लिए, तो कौन कौन सी चंद्रिका, रामचंद्रिका और जहांगीर जस चंद्रिका, ठीक है। और दो प्रिया हैं इनकी, इनकी दो बेटियां प्रिया हैं, एक है रसिक प्रिया और दो है कवि प्रिया, इन दोनों से, ठीक है। तो कवि प्रिया और रसिक प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका और रामचंद्रिका, ये चार रचना इनकी हुई केशवदास जी की। और एक वीर सिंह चरित, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब चरित एक यहाँ पर भी आ गया, अभी मैंने भवभूत जी की जब बात की थी तो उनमें भी तीन चरित आए थे, सॉरी दो चरित आए थे, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। तो उत्तर और महावीर तो भवभूत जी के, लेकिन अगर वीर सिंह जी आ जाएँ तो केशवदास जी बहुत वीर थे, ठीक है। तो वीर सिंह चरित केशवदास जी की रचना होगी। और एक है नकसिख, ठीक है, नकसिख, वीर सिंह चरित, जहांगीर जस चंद्रिका,
रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये किसकी रचना हुई? केशव दास जी की। और दूसरी बात ये आपको बता दूं कि केशव दास जी को मध्य प्रदेश में जो नाम दिया गया, एक उपनाम दिया जाता है ना हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, किसी किसी के द्वारा जो काम किया जाता है या उनकी जो छवि होती है उसके आधार पर उन्हें एक उपनाम दिया जाता है, तो जो केशव दास जी हैं उनको उपनाम दिया गया है। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत बोला जाता है। तो मध्य प्रदेश में एक प्रश्न बन जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को कहा जाता है? तो केशव दास जी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत उपनाम से संज्ञा दी गई है। तो इतनी सारी रचना है, बस इन्हीं रचना को आप याद कर लीजिए, एक दो बार लिख कर प्रैक्टिस कर लें, और दूसरी आपको रचना नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो रामचंद्रिका, जहांगीर जयचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, वीर सिंह चरित और नक्सिक, ये टोटल 6 रचनाएं आपको याद रखनी है केशवदास जी की। ठीक है, और ऐसा माना जाता है, एक थोड़ी सी इनकी भी हिस्ट्री बता दूं कि केशवदास जी का जो जन्म माना जाता है वो ओरछा में माना जाता है। ओरछा आपको पता है, ओरछा टीकमगढ़ में आता है, टीकमगढ़ जिले में। तो ओरछा में इनका जन्म हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, सिंपल सा। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन है? पद्माकर। तो पद्माकर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि पद्माकर भट्ट, इनका पूरा नाम पद्माकर भट्ट है, और एक कवि हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुसार उन्होंने बताया कि इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? बांदा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जबकि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनको बताया कि इनका जन्म सागर, मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, तो ये सब एक मान्यता प्राप्त बातें हैं, एक कथित बातें हैं, एक जनश्रुति के अनुसार बताया गया है। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना नहीं है, एक हिस्टोरिकल जो कहीं ना कहीं मुझे मिला है पढ़ने को, तो वह आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, पद्माकर का जन्म कहीं बांदा मिलता है तो कहीं सागर मध्य प्रदेश मिलता है, तो उनके जन्म पर नहीं आते हैं डायरेक्ट, उनकी रचना जो है जो आपको पढ़नी है जिससे आपको कुछ लाभ होगा उस पर देखते हैं। ठीक है, तो हितोपदेश, अलीजहां प्रकाश, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी और प्रबोध पचासा, ये सब किन के रचना है या इनके साहित्य हैं? पद्माकर भट्ट, कुल पूरा नाम इनका पद्माकर भट्ट है। ठीक है, तो हितोपदेश, अलीजहां प्रकाश, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी और प्रबोध पचासा, इन कुल 6 रचनाओं को आपको याद रखना होगा। ठीक है, और कुछ और बताऊं आपको कि जो इनकी अलीजा प्रकाश रचना है उसमें, यानी अलीजा प्रकाश में किसने, पद्माकर जी ने क्या बताया है, क्या दर्शाया है? जो ग्वालियर में महाराजा दौलतराज सिंधिया हैं उनकी प्रशंसा इसमें की है। ठीक है, उन्होंने जो अच्छा काम किया है उस अच्छे काम का प्रशंसनात्मक वर्णन किया है इसमें, किसमें? अलीजा प्रकाश में। तो एक प्रश्न बन सकता है कि जो ग्वालियर के महाराजा हैं दौलतराज सिंधिया, उनका वर्णन किसने किया और किस रचना में? तो पद्माकर जी ने अलीजा प्रकाश में इनकी बारे में बताया है। ठीक है, तो ये भी याद रखें, एक प्रश्न बन सकता है आपके लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें। और इतनी जो सारी मैंने ये रचनाएं इनकी लिखी हैं इनको भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, और भी कई सारी रचनाएं हैं बट पूरी अगर आप पढ़ेंगे तो बाकी सब भूल जाएंगे, इसलिए जो पूछा गया है या पूछे जा सकते हैं उनको आप दिमाग में रखें, कंठस्थ रखें। तो हितोपदेश, अलीजा प्रकाश, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी और प्रबोध पचासा, ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। किसकी? पद्माकर भट्ट जी की। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे भूषण जी की बारी आती है। तो भूषण जी जो है एक ऐसे कवि के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने अपनी रचना अपने नाम को जोड़कर ही ज़्यादा से ज़्यादातर की है। ठीक है, तो जो इनके नाम से जुड़ी हुई है अगर वो भी अगर प्रश्न में आते हैं तो आप डेफिनेटली इतना एलिमिनेट कर लेंगे, लेकिन जो कुछ उनके नाम से ना जुड़कर कुछ अलग नामों की या अलग शीर्षक से बताई गई हैं उनमें है शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक शिवा वामनी जो है तो नाम से ही है कि इसमें जो छत्रपति शिवाजी थे महाराष्ट्र रायगढ़ से, जो छत्रपति शिवाजी थे उनकी शौर्य गाथाएं जो हैं उनका एक ओजस्वीपूर्ण इसमें वर्णन देखने को मिलता है। किसकी? भूषण जी की जो रचना है शिवा वामनी उसमें। ठीक है, और एक छत्रसाल दशक हो गई आपकी, तो छत्रसाल दशक में वीर छत्रसाल के पराक्रमर यानी पराक्रमर क्रम वीरता युद्ध कौशल आदि जो उनकी गाथाएं हैं एक
कीर्ति वाली गाथाएं हैं वो सब देखने को मिलती हैं। तो आपको दो रचनाएं याद रखनी है, शिवा बामनी और छत्रसाल दशरथ। शिवा बामनी में जो छत्रपति शिवाजी हैं उनकी उनको दर्शाया गया है, बताया गया है, और जो छत्रसाल दशरथ है उसमें जो राजा छत्रसाल थे, वीर छत्रसाल थे, उनकी पराक्रमर वीरता और युद्ध कौशल को बताया गया है। किसके द्वारा? भूषण जी के द्वारा। और कुछ चीज़ें और बताऊं कि जो भूषण जी हैं उनका वास्तविक नाम अभी भी नहीं पता लगा सका है, लेकिन इनके उपनाम से जाना भी जाता है इन्हें। इन्हें उपनाम जटाशंकर कहा जाता है इन्हें, जटाशंकर। किसे? भूषण जी को। तो भूषण जी को जटाशंकर के उपनाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो उपाधि है ये जटाशंकर, ये चित्रकूट के राजा थे, उन्होंने दी थी, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, तो बस जो मेन है तो ये कि शिवा बामनी और छत्रसाल दशरथ। बाकी और भी हैं, जैसे भूषण उल्लास हो गई आपकी, शिवराज भूषण, दूषण उल्लास, तो नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको कि ये भूषण जी की ही रचना होगी, ठीक है। तो आपको शिवा बामनी और छत्रसाल दशरथ याद रखना है। तो शिवा बामनी में महाराजा जो छत्रपति शिवाजी थे उनके बारे में बताया गया है, और जो छत्रसाल थे तो उसमें बताया गया है वीर छत्रसाल के पराक्रमर वीरता या युद्ध कौशल को बताया गया है। फिर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट सिंगाजी। सिंगाजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी रचना काफ़ी कुछ उनके नाम से ही जानी जाती है या देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो दूसरी बात सिंगा जी के बारे में ये कि ये जो संत कबीर थे, ठीक है, संत कबीर के समकालीन माने जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि संत सिंगा जी जो थे, ठीक है, पिपलिया खुर्द खंडवा जिले से ये बिलोंग करते हैं, पिपलिया खुर्द निमाड़ क्षेत्र, पिपलिया खुर्द खंडवा जिले में आता है। तो संत सिंगा जी को संत कबीर के समकालीन माना जाता है, ठीक है। और इनकी समाधि स्थल भी खंडवा में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें आप लोग। और कुछ और मानता है कि इनका जो जन्म हुआ था 1517 के अप्रोक्स हुआ था, और मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले में इनका जो निवास था वो बड़वानी में था, जो अब अलग हो गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें। तो संत सिंगा जी संत कबीर के समकालीन थे, ये भी एक चीज़ याद रखें। और सिंगा जी की जो रचना थी उनके नाम के अनुसार ही उनके काम को भी बताती है, ठीक है। तो संत सिंगा जी की जो प्रमुख रचनाएँ आप देख पा रहे हैं, परचुरी, ठीक है। तो परशुरी उनका एकमात्र प्रमाणिक ग्रंथ है, ठीक है ना, देखें ऑथराइज्ड ग्रंथ कहलाता है परचुरी। कहीं परचरी मिलता है तो कहीं परचुरी मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा आप। तो परचुरी एक इनकी रचना है जो प्रमाणिक ग्रंथ है। एक है पंद्रह तिथि है, हिंदी में लिखिएगा, नॉट 15 इन ए लेटर ऑफ काउंटर्स, 15 तिथि नहीं है ये, 15 तिथि हिंदी में लिखेंगे तो 15 तिथि, ठीक है। और एक 12 मासी, ये इनकी रचना हुई, किसकी? संत सिंगा जी की। तो ध्यान रखिए इन सब बातों को कि संत सिंगा जी संत कबीर के समकालीन थे, और बहुत कथा जो कहीं सुनी बातों के अनुसार इनका जन्म कहीं बड़वानी बताया जाता है, तो कहीं खंडवा, तो इन सब में नहीं आता है। जो वर्तमान में एक जो आपने पढ़ा होगा कि जो मेले लगते हैं, तो संत सिंगा जी का मेला पिपलिया खुर्द खंडवा जिले में आता है, तो पिपलिया खुर्द वहाँ लगाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें, तो उस रेफरेंस में, बट इस रेफरेंस में इन तीन रचनाओं को याद रखें कि परचुरी उनका एक प्रमाणिक ग्रंथ है, 15 तिथि और 12 मासी उनकी रचनाएं हैं, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं जागनिक। तो जागनिक के बारे में बात करें तो जागनिक की एक प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध रचना है आलाखंड, ठीक है। तो आलाखंड जो एक बुंदेलखंडी, जागनिक एक बुंदेलखंडी या बुंदेलखंड से बिलोंग करते थे, बुंदेलखंड क्षेत्र से है। तो पूछ लिया जाता है कि जागनिक किस क्षेत्र से, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आलाखंड। आपने आला उदय की कहानी सुनी होगी, तो जागनिक जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनकी जो प्रमुख रचना है जो आला उदय है, उन्हीं आला उदय के नाम पर इन्होंने आलाखंड की रचना की है, किसने? जागनिक ने। तो ये भी एक चीज़ याद रखें, ओके। तो चलिए आगे देख लेते हैं और कौन से रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं। अब आधुनिक काल के जो प्रमुख साहित्यकार हैं या रचनाकार हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इनमें सिर्फ आपको कुछ और नहीं बल्कि इसकी रचना और ये किस क्षेत्र से, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से या किस संबंधित राज्य से बिलोंग करते हैं, क्षेत्र से
संबंधित है, तो उन पर सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बालकृष्ण सॉरी डॉक्टर शिव मंगल सुमन जी की, ठीक है। तो डॉक्टर शिव मंगल जो सुमन सिंह जी हैं, इनका जो जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, बल्कि इनका जो जन्म हुआ था शिव मंगल सिंह जी का, इनका जन्म हुआ था मध्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा शिव मंगल सिंह जो सुमन जी हैं, उनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, उन्नाव जिले में। एक्चुअली इन्होंने काम किया था विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में जो स्थापित है, वहाँ के कुलपति के रूप में भी इन्होंने काम किया है, तो इसलिए इनका नाम मध्य प्रदेश से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो शिव मंगल सिंह जो सुमन जी हैं, उनका जो जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये आप ध्यान रखिए। एक्चुअली हम लोग इसे मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं, बट ये मध्य प्रदेश के है नहीं, इनका जो जन्म हुआ है वो उत्तर प्रदेश से हुआ है, लेकिन जो इनका अध्ययन कार्य हुआ है वो मध्य प्रदेश में हुआ है, इसलिए इनको या इनके नाम को मध्य प्रदेश से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इनकी जो प्रमुख रचना है, जो प्रमुख जो पूछे जाते प्रश्न हैं इनकी रचनाओं से, वो बहुत ही फेमस और जानी मानी रचनाएं हैं, तो उन पर एक बार देख लेते हैं। मिट्टी की बारात, ठीक है। युग के मोल पर आंखें भरी नहीं, विश्वास बढ़ता ही गया, प्रलय सृजन और जीवन के गान, ये 6 से 7 जो रचनाएं हैं, ये कई बार पूछी जा चुकी रचनाओं में से एक हैं, ठीक है। तो डॉक्टर शिवमंगल सुमन जी की इन रचनाओं को आपको याद रखना होगा, और ये वो रचनाएं हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। तो मिट्टी की बारात, युग के मोल पर आंखें भरी नहीं, विश्वास बढ़ता ही गया, और प्रलय सृजन के साथ साथ जीवन के गान, ये कुछ रचनाएं हैं जो इनके लिए आपको याद रखनी होगी, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की, जो ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिनके बारे में जानता ना हो। माखनलाल चतुर्वेदी अपनी अद्भुत प्रतिभा, अपने अद्भुत रचनाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने माने जाते हैं, ठीक है। तो माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में बात करूँ तो भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाने जाते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से या एक भारतीय आत्मा के उपनाम की संज्ञा दी गई है इन्हें, ठीक है। और जो एक और प्रश्न जो बनता है कि ये कि माखनलाल चतुर्वेदी जी किस मध्य प्रदेश के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यानी संबंध रखते हैं, तो होशंगाबाद जिले का बाबई गांव है, होशंगाबाद जिला है, तो बाबई गांव से इनका नाता है, बाबई गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था, जो एक टीचर थे, ठीक है। तो माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में ये कुछ हिस्टोरी जो मैंने आपको बताई है। और दूसरी चीज़ एक और, इन्होंने पत्रकारिता यानी जो पत्रकारिता क्षेत्र है इसमें भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया है। तो इन्होंने खंडवा से एक प्रभा नाम की जो पत्रिका थी, उसमें से इन्होंने अपनी जो लाइफ है, जीवन है पत्रकारिता के क्षेत्र में, उसमें स्टार्ट की थी। उसके बाद इन्होंने प्रताप, बहुत सुना होगा आपने प्रताप, और कर्मवीर, ये दो इनकी समाचार पत्र हैं जिन्होंने इन्होंने संपादन किया था। किसने? चतुर्वेदी जी ने, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, ठीक है। तो प्रताप और कर्मवीर इनके द्वारा जो संपादित किए गए समाचार पत्र हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये भी किया, और साथ में एक चीज़ और हिस्ट्री में बता दूं कि 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने भी भाग लिया था, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, तब इस जो आंदोलन हुआ था, ये जो आंदोलन किया गया था 1920 में, उसमें इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने कई बार जेल भी जाना पड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो पूछा जा सकता है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का किस हिस्टोरिकल घटना से संबंध था, तो असहयोग आंदोलन जो 1920 में गांधी जी द्वारा चलाया गया था 1920 में, तो असहयोग आंदोलन इसके लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भाग लिया था, ठीक है। और अब कुछ रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो पुष्प की अभिलाषा, ऐसी कोई भी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई भी आज का बच्चा नहीं होगा जो इनकी ये रचना को ना पढ़ा होगा अपनी स्कूल लाइफ में, ठीक है। तो पुष्प की अभिलाषा इनकी बहुत ही फेमस कविता है, और साथ में हिमक्रीटनी, हिमतरंगणी, समय के पांव, वनवासी, युग चरण, मरण जौर और समर्पण, इसके अलावा और भी कुछ रचनाएं हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो समय के पांव और आपका वनवासी पूछा गया प्रश्न है, तो दो चार और आपको हिमक्रीटनी, हिमतरंगणी बहुत ही प्रसिद्ध रचना इनकी, तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में मैंने इतनी सारी जो जानकारी दे दी आपको, वो आपको याद रखनी होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं,
अब बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में बता दूं कि ये भी मध्य प्रदेश से बिलोंग नहीं करती। एक्चुअली जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी उनका जो विवाह हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था। तो मध्य प्रदेश के जो खंडवा के निवासी थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह, कभी कभार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जब मध्य प्रदेश की नहीं थी तो मध्य प्रदेश में इनकी जो शादी हुई थी किसके साथ हुई थी या इनके जो पति थे उनका नाम क्या था। तो आपको पता होना चाहिए ठाकुर लक्ष्मण सिंह सुभद्रा कुमार चौहारी जी जो चौहान जी हैं उनके पति थे, ठाकुर लक्ष्मण सिंह खंडवा के हैं, ठीक है। तो जहाँ जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं उनका जो जन्म हुआ है वो मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इनका जो जन्म हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। इनका मध्य प्रदेश में खंडवा में इनका निवास इनके पति के साथ रहा और इन्होंने अपना काम जो काम किया अपना जो काम कर्म स्थली थी इनकी इनकी ये कहाँ थी आपकी, जबलपुर में, ठीक है। तो ये मूल चीज़ें आप लोग याद रखें। और कुछ इनकी रचनाएं जो बहुत फेमस है जैसे झांसी की रानी, राखी की चुनौती, वीरों का कैसा हो बसंत, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादनी, सभा के खेल, सही थे साधुचित, इनकी ये जितनी भी मैंने रचना डिस्कशन की अभी बात की मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, इनमें से 3 से 4 जो पीएससी में पूछा जा चुका है, बिघरे मोती 2016 पीएससी में पूछा गया है, उन्मादनी भी पीएससी में पूछा गया है, सीधे साधे सभा के गेल आपके पीवी यानी जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा गया है। तो ये भी आपको रचना याद रखनी होगी। झांसी की रानी को बताने की जरूरत नहीं है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बुंदेल हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, झांसी वाली रानी थी, तो इसको बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की झांसी की रानी, राखी की चुनौती, वीरों का कैसा हो बसंत, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सीधे साधे चित, उन्मादनी, सभा के खेल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और रचनाएं। अब उनमें बात करते हैं सबसे पहले भवानी प्रसाद मिश्र जी की। तो भवानी प्रसाद मिश्र भी अपनी साहित्य से सबके दिलों में राज किया इन्होंने भी। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में बताना चाहूँगा, थोड़ी हिस्ट्री बताऊँगा इनके बारे में कि भवानी प्रसाद मिश्र जो है उनका जो जन्म हुआ है वो भी होशंगाबाद में हुआ है, तो ठीक है। तो माखाला चतुर्वेदी भी हो गए होशंगाबाद के, भवानी प्रसाद मिश्र भी हो गए होशंगाबाद के, ठीक है। तो भवानी प्रसाद मिश्र होशंगाबाद से बिलोंग करते हैं। और दूसरी बात, एक हिस्टोरिकल जो घटना हुई एक्सीडेंट हुआ था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, किन्होंने, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। तो ये भी आप याद रखें भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं इन्होंने किस ऐतिहासिक आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने जो गांधी जी द्वारा 1942 में स्टार्ट किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भारत के इस आंदोलन में मध्य प्रदेश से बोल सकते हैं प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। मध्य प्रदेश से भवानी प्रसाद मिश्र इस आंदोलन में शामिल हुए थे, ठीक है। तो इनकी कई सारी कविताएं हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की, तो उन पर देख लेते हैं। तो खुशबू के शिलालेख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, चकित है दुख, गांधी पंचसती और गीत फरोश, तो ये कुछ रचनाएं हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की। तो इन जितनी भी चीज़ें मैंने इनके बारे में बताई वो आपको याद रखनी होगी। लाइक भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म कहाँ माना जाता है, तो होशंगाबाद, ठीक है। और ये किस एक ऐतिहासिक आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन से ये जुड़े हुए थे, ये भी याद रखें आप। और दूसरी बात, तीसरी बात ये कि भवानी प्रसाद की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो इन रचनाओं को आपको याद रखना होगा। लाइक खुशबू के शिलालेख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, चकित है दुख, गांधी पंचसती, गीत फरोश, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिन्हें सिर्फ आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे कौन सा आप देख पा रहे हैं, हरिशंकर परसाई, एक हास्य कवि, एक व्यंग कवि के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप याद रखें। और हरिशंकर परसाई जी ध्यान रखिएगा एक ऐसे कवि थे जिनकी रचना हमेशा एक व्यंग्यात्मक ढंग से रची जाती थी इनके द्वारा, ठीक है। एक व्यंग कवि के रूप में जाने जाते हैं हरिशंकर परसाई जी। और हरिशंकर परसाई जी के बारे में बता दूँ, इनका जन्म भी होशंगाबाद में हुआ है। तो हरिशंकर परसाई जी हो गए, भवानी प्रसाद मिश्र जी हो गए और साथ में माखनलाल चतुर्वेदी जी हो गए। तो इन तीनों का जो जन्म स्थल है वो कहाँ हो गया, होशंगाबाद। ये भी मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एग्जाम में है तो आप कर सको। तो हरिशंकर परसाई जी का जो जन्म कहाँ हुआ था, होशंगाबाद में हुआ, ठीक है। और इन कई सारी रचनाएं हैं। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा इनके बारे में, जबलपुर से एक पत्रिका इन्होंने प्रकाशित की थी, वसुधा, ठीक है। तो ध्यान रखें वसुधा नामक पत्रिका का जो प्रकाशन किया था वो हरिशंकर परसाई जी के द्वारा किया गया था, ये भी आप
ध्यान रहें रखें, ठीक है। तो हरिशंकर प्रसाद जी की ये रचना है, ये मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है, लिखा भी हुआ है कि जबलपुर से वसुधा नामक जो पत्रिका का प्रकाशन है वो हरिशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो उसके बाद अब ये कुछ कहानियाँ हैं जो जो रचना है जो प्रसाद जी की, जो काफ़ी व्यंग्यात्मक है। लाइक नाम से ही पता समझ में आ जाता है, ये रानी नागफनी की कहानी, भूत के पाँव पीछे, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं, तट की खोज, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिन्हें आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, और कुछ और जो मैंने साथ इसमें इंडिकेट नहीं किया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेंशन नहीं किया है तो बता दूँ कि जो आपको और पढ़ सकता है ज़रूरत, उसमें एक लिखना होगा, आपको बता देता हूँ, तब की बात और थी, एक इनकी रचना है हरिशंकर प्रसाद जी की, इसको रब कर देता हूँ, तब की बात और थी, ठीक है, एक इनकी और रचना है, तब की बात और थी। साथ में एक और आपको बता देना हो, वो है ठिठुरता हुआ स्वतंत्र, ठीक है। तो तब की बात और थी और ठिठुरता हुआ स्वतंत्र, इन दोनों और रचनाओं को आप दिमाग में रखें। तो इतनी सारी रचनाओं को आपको याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि पश्चिम में कुछ भी पूछा जाता है, कोई भी रचना पूछी जा सकती है। तो रानी नागफनी की कहानी, भूत के पाँव पीछे, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, जैसे दिन के दिन फिर हंसते हैं रोते हैं, तट की खोज, तब की बात और थी, ठिठुरता हुआ स्वतंत्र, तो ये प्रमुख रचनाएँ आप याद रखें। चलिए अब बात कर लेते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी की, जो एक ऐसे कवि हैं जिनके बारे में कम कहा जाए तो इनके नाम का अपमान होगा, ठीक है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म हिस्ट्री थोड़ा बता दूं कि इनका जन्म शिवपुर जिले में हुआ था, शिवपुर से चंबल संभाग शिवपुर है, तो शिवपुर से बिलोंग करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, शिवपुर से हैं, और इन्होंने कई सारी कविताएँ रचनाएँ की, तो इन रचनाओं को राइट सीधे देख लेते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखें, गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म अगर पूछे तो पता होना चाहिए शिवपुर में हुआ था, और इनकी जो प्रमुख रचना है वो चांद का मुँह टेढ़ा, बुरी बुरी खाक, कमायनी एक पुनर्विचार, एक साहित्यिक की डायरी, धूल, चंबल की छाती, काट का सपना और ब्रह्मा राक्षस। ध्यान रखिएगा, चंबल की छाती और ब्रह्मा राक्षस ये पीवी के एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न है, ठीक है। तो बाकी और जो भी हैं, चांद का मुँह टेढ़ा भी आपका पीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो जितने भी मैंने इसमें मेंशन की हैं इनकी रचनाएँ, उन्हों आपको याद रखनी होगी। तो चांद का मुँह टेढ़ा है, बुरी बुरी खाक, कमाई ने एक प्रविचार, एक साहित्य की डायरी, धूल, चंबल की छाती, काट का सपना और ब्रह्मा राक्षस, ये प्रमुख इनकी रचनाएँ हैं, ठीक है। और साथ में याद रखें, फिर से बता रहा हूँ कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, शिवपुर में, ठीक है, चंबल संभाग, इसलिए उन्होंने रचना भी की चंबल की छाती। चलिए अब आगे कुछ और जो कवि हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की बात कर लेते हैं, ये भी अपने परिचय के मोहताज नहीं, उन्होंने अपनी कई सारी रचनाओं से लोगों का दिल जीता, लोगों के दिल में घर बनाया। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो शाजापुर में हुआ था, सब जानते हैं शाजापुर, जिससे अलग होकर अभी कुछ साल पहले रचना हुई है नए जिले की अगरगाँव की, अब बल्कि एक और जिले की बन गया है, बावनवा जिला बन गया, निवाड़ी, ठीक है। तो वो सब बात की डिस्कसें हैं, आज हम बात कर रहे हैं साहित्यकारों की, सिर्फ साहित्यकार की बात करेंगे। तो बालकृष्ण शर्मा शाजापुर जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने कई सारी रचनाएँ भी की उनके प्रभाव में आकर, ठीक है, उनके शब्दों को लेकर, उनके दर्शनों को लेकर। उनमें से कई रचना हैं, जैसे देखिए बालकृष्ण जो नवीन है, उन्होंने कुछ ऐसे रचनाएं की हैं जिनके नाम से ऐसा लगता है इन्होंने एक फीमेल यानी महिला के नाम को ज़्यादा संगति या ज़्यादा प्रधानता दी है अपनी रचनाओं में। तो कुमकुम हो गया, रश्मि रेखा हो गई, स्तवन, उर्मिला, हम बिशपाई जन्म के, अपलक, तो इन मैक्सिमम इन जितनी भी मैंने रचना इसमें मेंशन की है उसमें आपको ये देखने को मिल रहा है कि इन्होंने जितनी भी रचनाएँ की है उनमें एक स्त्री जो जेंडर होता है ना उसके नाम को ज़्यादा विशेषता मिली है इनके इस रचनाओं में। तो बालकृष्ण शर्मा जी की इन रचनाओं को ध्यान रखें आप, तो कुमकुम, रश्मि रेखा, स्तवन, उर्मिला, हम स्पाई जन्म के, अपला के, बहुत प्रमुख रचनाएं हैं, इन्हें याद रखें, ठीक है। आगे देख लेते हैं शरद जोशी, ये भी एक व्यंग्यात्मक और एक ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने अपनी जो अद्भुत शब्दों के मेल को इतना अच्छा से तरह से अपनी पुस्तकों में पिरोया है कि लोग पढ़ने से
पीछे नहीं हटते। ठीक है, तो सरा जोशी की बात कर लेते हैं, तो इनको मैंने थोड़ा अलग रखा है, जैसे कि इनको मैंने अटक इनका जो नाटक है उनको अलग रख दिया है, उपन्यास उसको अलग रख दिया है, निबंध और कहानी इनको भी अलग रखा है। ठीक है, तो सरा जोशी का जो नाटक दो है वो है अंधों का हाथी और एक था गधा। ठीक है, तो ये दो इनके नाटक हो गए और साथ में इनके दो उपन्यास हैं, दो उपन्यास में एक का नाम मैं और दूसरे का नाम मैं और केवल मैं, तो अलग अलग है, एक मैं हो गया और दूसरा मैं और केवल मैं, तो दो ये उनके उपन्यास हो गए। ठीक है, फिर निबंध की बात करें तो रहा किनारे बैठ, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, पिछले दिनों, ये इनके निबंध हो गए, एक एसेज लिखा थे इन्होंने। और उसके बाद एक इनकी स्टोरी है वो है तिलिस्म, तो इनको मैंने अलग अलग मेंशन कर दिया कि कौन सा नाटक है, कौन सा उपन्यास है, कौन सा निबंध है, कौन सा कहानी है, जो मैंने स्टार्टिंग में कालिदास जी के लिए लिखा था। ठीक है, तो वैसे ही मैंने सरद जोशी की जो रचनाएं हैं उनको अलग अलग रख दिया है, तो आपको याद करने में सहूलियत होगी कि नाटक कौन सा है, अंधों का हाथी और एक था गधा, उपन्यास मैं और केवल मैं और मैं। ठीक है, निबंध कौन सा, रहा किनारे बैठ, फिर किसी बहाने, जीप पर सवारी लिया, पिछले दिनों और तिलिस्म, ये इनके निबंध और कहानियाँ हो गई। तो ठीक है, इन्हें भी याद रखें। और एक चीज़ और बता दूँ सरद जोशी के बारे में, जो इनकी हिस्ट्री से हुआ है कि इनका जो जन्म हुआ था सरद जोशी का, वो उज्जैन में हुआ था। ठीक है, उज्जैन में इनका जन्म हुआ था, किसका, सरद जोशी जी का। तो ये कई सारे पुरस्कारों से भी इन्हें नवाजा जा चुका है, तो सिंपल से याद रखें कि सरद जोशी का जो जन्म हुआ था उज्जैन में हुआ था, बाकी इनकी रचनाएं मैंने बता दी। चलिए आगे देखते हैं। अब मुल्ला रामू जी, तो मुल्ला रामू जी के बारे में बहुत ज़्यादा विशेष रूप से आपको नहीं बताऊंगा, आप सब जानते होंगे। और ये सिर्फ अपनी एक ही रचना गुलाबी उर्दू के लिए बहुत ज़्यादा प्रकाशित या प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने 1921 में अपनी एक रचना, एक पुस्तक प्रकाशित की थी, वो गुलाबी उर्दू, इनके लिए बहुत फेमस हुए थे। ठीक है, और मुल्ला रामू जी आपको बता दूँ इनका जन्म भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है, ये भी याद रखें आप। मुल्ला रामू जी, इनका जो पूरा नाम था मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रामू जी। ठीक है, तो मुल्ला रामू जी का पूरा नाम बता दिया, मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रामू जी, और ये भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भोपाल जिले से बिलोंग करते हैं मुल्ला रामू जी। और ये जो मूलतः थे मुल्ला रामू जी, जो बेसिक बेसिक बिलोंग करते थे, ये अफगानिस्तान के थे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको जानना चाहिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मुल्ला रामू जी का जो जन्म हुआ था भोपाल में हुआ था, पूरा नाम इनका मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रामू जी था, गुलाबी उर्दू के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। 1921 में इनकी ये पुस्तक रिलीज हुई थी। और दूसरी इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे मुसाफिर खाना, शिफा खाना, लाठी और भैंस, शादी औरत जात, अंगूरा, तारीख और जिंदगी, ये कुछ इनकी रचनाएं हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। ठीक है, और कुछ और व्यक्ति हैं, जैसे कि ईसुरी, आपने सुना होगा, तो ये बुंदेलखंड से जुड़े हुए थे, ईसुरी कवि। तो इनकी कुछ रचनाएं ऐसे कुछ नहीं है जो ज़्यादा इनके नाम से ही है, ईसुरी की फागे, ईसुरी के प्रकाश, ईसुरी सत्सई, तो इनके बारे में ज़्यादा मैं फोकस नहीं करूँगा, सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ आपके लिए कि ईसुरी की पूछ ले कि ईसुरी किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, तो बुंदेलखंड क्षेत्र से। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। और बाकी सब कुछ मैंने आपको बता दिया। एक और कवि हैं, उनके बारे में आ गया दिमाग में बता देता हूँ, घाघ। ठीक है, तो घाघ मैंने कुछ ज़्यादा कुछ उन्होंने रचना नहीं की थी। ठीक है, इनकी ब्रजभाषा थी और खड़ी वाली यूज करते थे। और घाघ एक जो हमारे उत्तर मध्य प्रदेश है वहाँ से बिलोंग करते थे, स्पेसिफिक कोई इनका नहीं है कि ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख और जो रचनाकार हुए जिनको मैंने मेंशन नहीं किया था क्योंकि मैंने ज़रूरी नहीं समझा। ठीक है, एक जो ज़रूरी समझा ईसुरी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले कर सकता है प्ले, तो ईसुरी मैंने बता दिया, ईसुरी पूछ लेता है कि ईसुरी किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, तो बुंदेलखंड क्षेत्र से। ठीक है, तो इतना आप याद रखें, एक साहित्य के क्षेत्र में मैंने इतना, तो ये था आज मध्य प्रदेश के साहित्यकार जो महत्वपूर्ण थे आपके लिए, जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे, और हमेशा हर एग्ज़ाम में एक आध दो रचना किसी न किसी से पूछी ही जाती है, तो जितना मुझसे आसानी से हो सका मैंने आपको बताया, और डेफिनेटली इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, तो इन सबको ध्यान से कर लें आप, और डेफिनेटली आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। और एक बार फिर से कि आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे YouTube चैनल जसलर्न से, Facebook पेज जसलर्न से, मेरे खुद के टेलीग्राम चैनल www.jaslearnacademy से, जहाँ पर आप हर चीज़ की एक PDF फाइल जो मैं अपलोड करता हूँ YouTube में, उस चीज़ की आप PDF फाइल यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पेज मेरे खुद के सुरेंद्र गुप्ता सूरी के नाम से आप सर्च करके
करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और इंस्टाग्राम में आप मुझसे सुरेंद्र कुमार गुप्ता सूरी के साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, और आप अपने सजेशन हमें दे सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए, आपकी सुनिश्चित परीक्षा की सुनिश्चित सफलता के लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ वो आप मुझे बता सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।